धीरे 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 मैसेज आते हैं, देखा से जा रहा देखा ऐसे पालो देख ऐसे जूम करते हैं ये समझ गए सलामत बस चलने दे हवाई का धीरे देखिए धीरे 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 दस्ताले के मतलब हेलो माय सेल्फ दिनेश मिश्रा लेट्स डू इट एक हिंदी फिल्म है कॉमेडी हिंदी फिल्म है इसमें दो लड़के हैं दोनों दोस्त हैं मैं मौज मस्ती करने के लिए इधर निकलते हैं फ्रेंड्स हैं दोनों वहाँ जाके किसी को भाई पता चलता है कि इस घर में जाएंगे तो यहाँ हमको ज़्यादा इनकम हो जाएगी और अच्छी लाइफ गुजारेंगे इसके लिए वो यहाँ से निकलते हैं और उसी बीच में कॉमेडी होती है लड़की कैसे पटाए ये चक्कर बात करें क्या न्यू सब नए हैं चेहरे या कुछ पुराने रहेंगे सर दो तीन नए हैं जैसे मेन हीरो हीरोइन जो हैं वो नए हैं उसमें से एक साहिल कोहली हैं एक देवेश चंद्र मिश्रा जी हैं और दो लड़कियां हैं कंफर्म किया हूँ लेकिन बता नहीं सकता कंफर्म कर दिया लेकिन एग्रीमेंट नहीं हुआ म्यूजिक के बारे में म्यूजिक मैनेजर कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा म्यूजिक है कितने गाने किस तरह का चार गाने हैं इसमें दो रोमांटिक हैं एक आइटम है एक थोड़ा सा छेड़छाड़ गम टाइप कब तक फिल्म तैयार हो जाएगी ये फ्लोर पे जाएंगे हम लोग जनवरी 20-22 जनवरी से शूट पे चले जाएंगे प्लानिंग एकदम तैयार हो गई है राइटर हैं राजीव कौल जी जिन्होंने दिल राजा बेटा वेलकम वेलकम बैक रेडी उनकी लिखी हुई फिल्म है तो वही लिख रहे हैं हमारी कहानी थैंक यू मेरा नाम राजेंद्र सहदेव सातारा मूवी की बात कैसे जुड़े ये लेट्स डू इट ये इस नाम में ही दम है आप अगर बोलने जाओगे लेट्स डू इट तो ऑटोमेटिकली पब्लिक अट्रैक्ट होगी एक लव स्टोरी है ये लव स्टोरी साथ साथ में ये कॉमेडी है मतलब आप पूरी फैमिली के साथ में टोटल आप बच्चों के साथ में बड़ों के साथ में आप ये देख सकते हो मजा आएगी देखने के लिए जैसे ये पूरी होती है तो नक्की आप मतलब हर आदमी इसको देखना चाहेगा नाम पढ़ करके भी उसको क्या है अंदर वो देखना चाहेगा और देखने में वाकई मजा आएगी प्लीज कंटिन्यू प्रोड्यूसर आप एज ए प्रोड्यूसर हैं अगर बजट की बात करें एक नॉर्मल फिल्म का बजट कितना तक देखो हमें बनानी है पिक्चर बहुत बढ़िया तरीके से बनानी है जो सभी लोगों को पसंद आए उसमें लिए जो भी उसको फाइनेंस लगेगा जो भी उसका लगेगा वो हम लोग उसको लगाने के तैयार हैं बात करें नए लड़के लड़के को चांस दे रहे हैं नए लोगों को भी चांस दे रहे हैं और एज वेल जैसे हम लोग अभी पूरी स्क्रिप्ट का वगैरह वर्कआउट तो हो ही गया और जैसे अच्छे कलाकार भी है जो आप नामचीन हैं उनको भी हम लोग अंदर ये कर उनको भी अंदर लेकर के एक अच्छा फिल्म जो पब्लिक धमाल करे देख के ऐसा तो लेट्स डू इट लेट्स सी इट नाउ इसके बाद थैंक यू सर मूवी की बात करें क्या कहना चाहेंगे अरे भाई मेरा नाम आप तो आपको पता चलना चाहिए ना पहली बार चलो नहीं आप पूछो नहीं आप सॉरी नहीं नहीं मैं हूँ काफ़ी वेटरन काफ़ी फिल्में लिखी है दिल बेटा राजा है दुले राजा हद कर दिया आपने लुटेरे अजय वेलकम इतनी सारी फिल्में लिखी ये डायरेक्टर जो है मेरे खास दोस्त हैं पुरानी पहचान है तो इनको मैंने रिक्वेस्ट किया था इन्होंने भी एक रिक्वेस्ट किया था कि सर कभी मेरे लिए कुछ अच्छा लिखिए एक सब्जेक्ट आया मैंने इनको सुनाया इनको अच्छा लगा और फिल्म आपके सामने बहुत जल्दी बनेगी पर्दे पे आ जाएगी जितनी फिल्मों के आपने नाम लिया सर ये सब करोड़ ऊपर हिट रही हैं एक से एक बड़े बड़े स्टार के साथ रही हैं जी जी तो इसके तो जरूरी है स्टार ही चलता है छोटे नए एक्टर भी तो चलते हैं लेकिन ट्रेंड बन गया है अभी नए लड़कों को चांस दिया जा रहा है हाँ लड़के को चांस दिया डायरेक्टर में हिम्मत है प्रोड्यूसरों में हिम्मत है उन्होंने बोला हम बनाएंगे हमको कॉन्टेंट चाहिए मैंने कॉन्टेंट बेस्ड सब्जेक्ट दिया बाकी मेरी सारी फिल्में एंटरटेनमेंट होती है अश्लीलता में रखता थी कभी आपने मेरी सारी फिल्में देखी होंगी रेप में बहुत दूर से भाग जाता हूँ रेप सुनते ही मेरी कोई फिल्मों में आपको रेप नहीं मिलेगा बेटा की आपने बात की बेटा का भी अनिल कपूर के लिए मिल का पत्थर होते जाओ और बेटा क्यों वेलकम नहीं मिला कल तक उनको जगास के तो नाम बेटा से अगर पहली बात हाँ बेटा से मिला क्या कहना चाहिए वो वाक्य आप दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे क्या वाक्य मैं समझा नहीं जो स्टोरी थी उसको लेकर हाँ स्टोरी सुनाया था अनिल कपूर को जब स्टोरी सुनाई थी टाइटल बेटा था पिक्चर के बनते बनते उन्होंने बोला कि यार इसमें बेटा गायब है बेटी की कहानी हो गई
लेकिन बेटी बहू बनकर आई, अरुणा रानी के साथ पूरी फिल्म बनी और पिक्चर में उनको अवार्ड मिला, अरुणा जी को मिला, अनिल कपूर जी को मिला, माधुरी जी को मिला। सर आजकल स्टोरियाँ जो हैं काफ़ी हटके आ रही हैं, पुरानी अच्छी स्टोरी होती है, तो उसके बारे में क्या रहा है आपकी बॉलीवुड में? मैं वो पुरानी लिखता हूँ सर, मैं एंटरटेनमेंट लिखता हूँ, हटके कौन से? ए वेनसडे, जब मैंने वेनसडे देखी थी तो थिएटर में एक ही डेढ़ ही रो था, आगे कोई नहीं था। और हम जब फिल्म लिखते हैं तो पूरी फैमिली आके देखती है, हंसी मजा की तो बचा है, बाकी बचा गया है सब कुछ आपको पैसे से मिलता है। वहाँ आप जब मल्टीप्लेक्स में जाते हो ना तो वहाँ भी आपको पानी भी पैसे से मिलता है, सिर्फ हंसी फ्री है, वो हंसी में बांटता हूँ। आप एक चीज़ मुझे बताइए, टैक्स काय का देते हैं हम लोग? जो गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है काय का देती है? एंटरटेनमेंट टैक्स। मैं एंटरटेनमेंट ही देता हूँ, आपने सुना कभी ट्रेजेडी टैक्स है, रोने का टैक्स है? इसमें तो टैक्स नहीं है ना, सिर्फ एंटरटेनमेंट। पब्लिक को हंसाओ खिलाओ, शाम को पिक्चर देखकर निकले, मज़ा आए, घर जाए। आप घर पे बैठ के मेरी फिल्में देखिए, दूल्हे राजा, शोला और शबनम, वेलकम वेलकम बैक, ऑडियंस हंस हंस के खुश होकर बाहर निकलती, बोलती अच्छा बेवकूफ़ बना है, बेवकूफ़ नहीं बना, अच्छा बेवकूफ़ बना है। की बात करें, एक लाइन में सर स्टोरी आपसे। सर ये इतनी बड़ी एंटरटेनर है, दो नए लड़कों के साथ बना रहे हैं, और मेरा ये दावा है कि एक बार ये स्क्रीन पे आ जाए ये दोनों लड़के स्टार बन जाए, जो भी दोनों नए लड़के हैं, इट्स टोटल कॉमेडी। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे आज तो फाइनेंस कर रहे हैं काफ़ी? नहीं, बहुत अच्छी फिल्म है, इन लोगों ने जो पटुवाई मुझे सुनाया स्टोरी बहुत अच्छा लगा, और इसके लिए मैं खड़े हुआ कि नहीं करना चाहिए अच्छे एंटरटेनमेंट फिल्म में। क्या लगता है मार्केट आपकी मूवी की मार्केट? कॉमेडी ही चलती है और कॉमेडी ही चलेगी, अब कितना लोगों को सीरियस करेंगे, बेहतर है कि कॉमेडी बनाते, हर फिल्म में चलती है कॉमेडी फिल्में जो भी है। मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम खान। सर मेरा नाम साहिल है, और मैं अभी मैंने अपनी शुरुआत आनंद रॉड जी के साथ की थी, जो मेरी एक फिल्म अभी ऑलमोस्ट रिलीज़ होने पर है, मिस्टर एमबीए साहब, जिसमें प्रोड्यूसर है विकास नायक जी, जो जिनका जेएनपीटी में होटल है, और आनंद रॉड जी ने लखनी वीश भी बनाई हुई है, और एक पीयू करके फिल्म उनकी अभी कंप्लीट हुई है। तो वो बेसिकली उनकी जो मेरी फर्स्ट फिल्म है वो बहुत जल्द आने वाली है। उसके अलावा आज मैं इस अवसर पर आया हूँ, और मैं दिनेश मिश्रा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ में कुछ तराशा, मुझे एक मौका दिया इस फिल्म में जुड़ने का। तो बस यही कहना चाहूँगा कि बड़ा अच्छा लग रहा है इस फिल्म का पार्ट बनकर, और बस आशा करता हूँ कि एज एन हीरो मैं इस फिल्म में बखूबी से अपना कुछ ना कुछ हुनर दिखा के ज़रूर सबका दिल जीत कर आऊँ। जी, आपके लिए काफ़ी चैलेंज भी है कि जो राइटर है काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में लिख चुके हैं। जी जी जी, काफ़ी सारी फिल्में हैं, तो कितना चैलेंजिंग आपके लिए कि? सर चैलेंज तो हर चीज़ में है, बिना एफर्ट के कोई चीज़ आप हासिल नहीं कर पाओगे। तो वही है कि मेरे लिए तो सौभाग्य है कि मैं ऐसे इतने बड़े राइटर्स और इन सबके साथ मैं जुड़ा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके एक्सपीरियंस से ही मुझे अपनी मंजिल के मैं और करीब पास अपने मंजिल के करीब आऊँगा, अपने पास मंजिल के पास आऊँगा। और बस यही है कि अभी फ़िलहाल इनकी जो चीज़ें, इनके जो लिमिट्स हैं, इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन, उसको अच्छी तरह से फॉलो करके बस अपने आप को इस पर रिप्रेजेंट करना है, बस दैट्स इट। सर वही मैं कह रहा हूँ कि आप किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, आई नो सूरज वेरी वेल ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम वही है कि अपनी अपनी जगह पे सब अलग अलग चम्मच लेके पैदा हुए, तो वही है कि ज़रूर करता हूँ कि मतलब कि आप अंडर एस्टिमेट ना कीजिए, आप फिल्म देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी जी, थैंक यू। माय नेम इज देवेश मिश्रा। मैंने काफ़ी थोड़े फिल्में, छोटे छोटे फिल्में जो गुजराती वगैरह में कर चुका हूँ, और दिनेश चंद्र मिश्रा जी जो डायरेक्टर साहब हैं हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, और मुझे प्राउड है कि हमारे दिनेश मिश्रा जी के जैसे मेरे दोस्त हैं, और उन्होंने हमारे इस फिल्म के लिए मेरे को सिलेक्ट किया है, इसलिए मैं इस फिल्म में काम करने आया हूँ। और अभी तो फिलहाल हमारे पार्टनर में जो अभी आए थे अजय कोहली जी, वो हैं, और फिलहाल डायरेक्टर साहब अभी बताएंगे आगे कौन कौन है, उन्होंने किसको सेलेक्ट किया है। किरदार के बारे में, मैं मेन एक्टर लीड रोल में ही हूँ और हीरो के रोल में हूँ। कितनी उम्मीदें इस फिल्म से आपको? 100%
क्योंकि इस फिल्म के जिस तरह से न्यू है, जैसे हमारे सर राइटर साहब राजीव कौल जी हैं, हमारे दिनेश मिश्रा जी हैं डायरेक्टर साहब, इस वजह से हमें बहुत उम्मीद है, 100% उम्मीद है। ओके, जी ये तो आपको देखने पे ही पता चलेगा, फिलहाल तो ये मेरी पहली मूवी है और दिनेश जी मुझे काम दे रहे हैं और बस इनके साथ काम कर रहा हूँ एंड मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी, ये आपको देखने पे पता चलेगा मैं क्या कलर काला है।